हाय, वेलकम टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। माय नेम इज विश्वा और आज ग्राफिक डिज़ाइन के इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए कुछ पीएचडी टेम्पलेट लेके आया हूँ, जिसमें आप इफेक्ट देख सकते हो। इस टाइप का इफेक्ट मैं आपको और भी टेम्पलेट दिखा देता हूँ, और भी जो अपने पास टेम्पलेट्स हैं उनको मैं दिखा देता हूँ आपको, आप उनको चेक कर सकते हो। आपको मैं कुछ डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, जैसे आप डिज़ाइन देख लो, ठीक है। तो इस टाइप के मैं आपको टोटल 10 टेम्पलेट्स लेके आया हूँ, जिसको आपको यूज करना बहुत ईजी है। आपको बस है ना, एडिट करना है, नथिंग एल्स, और ये आपका क्या होगा, सेम का सेम इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एक रीडमी फाइल दूंगा इस पैकेज के साथ, और जो कि आपका कम्प्लीटली फ्री रहेगा। सो यहाँ पर आप एक हेल्प करके फोल्डर देख सकते हो। इस हेल्प वाले फोल्डर में आपको जो रीडमी फाइल है, इस रीडमी फाइल के अंदर मैंने आपको सारा कुछ बताया है, ठीक है। क्या मिलने वाला आपको, तो 10 3D टेक्स्ट इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी उसका नाम है नेचर स्टाइल्स, ठीक है। पैकेज डिटेल्स की बात करूँ तो आपको 10 3D टेक्स्ट इफेक्ट मिलने वाले हैं। सपोर्ट किस में करेगा, तो फोटोशॉप CS4 या उससे हायर वर्जन में सपोर्ट करेगा, ठीक है। जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको 10 डिफरेंट स्टाइल मिल रहा है, आप 100% एडिटेबल है, आप इसको आराम से एडिट कर सकते हो, इजी टू चेंज है, आप इसको चेंज कर सकते हो। हाई रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 300 DPI में, ठीक है। सारे के सारे लेयर आपके वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारे के सारे लेयर का जो भी लेयर हमने यूज़ किया उसको एक ग्रुप में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट है। आपको बस क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले फाइल को ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है अपने टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। और सारे के सारे जो इसमें टेक्स्ट हैं, शेप हैं, वो सारे क्या हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारा आप में मतलब क्या है, बहुत टाइप का जो आप डिज़ाइन बनाते हो ग्राफिक डिज़ाइन में, अगर पोस्टर बनाते हो या कोई बैनर वगैरह बनाते हो, तो वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। और कोई स्किल की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें, इसको करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका फॉन्ट, ठीक है। आप कोई भी पीएचडी फाइल को, किसी भी पीएचडी फाइल को ओपन करने से पहले आप क्या करोगे, जो फॉन्ट हमने यूज किया है उस फॉन्ट को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो हेल्प फाइल के अंदर में भी वो लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं जो यहाँ फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, वो ला चाटे करके एक फॉन्ट है, ठीक है, वो फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे इसको रिप्लेस करेंगे हम, उसके लिए क्या करना है आपको, पीएचडी फाइल को ओपन करना है, ठीक है। पीएचडी फाइल आपको एक पीएचडी फोल्डर के अंदर में मिल जाएगा आपको, उसके बाद जो भी आपको डिजाइन पसंद आता है वो वाला डिजाइन वाला फाइल आप क्या करो, ओपन करो। ओपन करने के बाद जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल है उसको आप क्या करो, डबल क्लिक करके ओपन करो, या फिर मैं आपको दिखा दूंगा उसको कैसे ओपन करना है। और उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है या जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, वो टेक्स्ट को लिखो, और उस तरीके से आप क्या होगा, जो आपका पीएचडी फाइल है वो आसानी से एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एडिट करके भी दिखा देता हूँ एक दो फाइल, और जो आपका ये जो पीएचडी फाइल है, इसी पीएचडी फाइल के अंदर मैं आपको सारे फाइल्स दिखेंगे, जिसको आप बस डबल क्लिक करके ओपन करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा, पीएचडी फाइल मैं आपको दे दूंगा, हेल्प वाला फाइल दे दूंगा, आप तीनों को, तीनों फाइल आपको क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम किसी एक डिज़ाइन को ओपन करते हैं, उसको चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिज़ाइन ओपन है, ठीक है। तो ये इमेज फाइल है, हम लोग क्या करते हैं इसका पीएचडी फाइल ओपन करते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपका जो वो पीएचडी टेम्पलेट है आप उसको ओपन करोगे। सो यहाँ से मान लो मैं एक कोई पीएचडी टेम्पलेट ओपन करता हूँ, मैं नंबर 3 ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप कोई भी एक पीएचडी फाइल ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीएचडी फाइल ओपन हो गया, ठीक है। और इसको मैंने जानबूझ के ट्रांसपेरेंट पर रखा है, ग्रिड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सो डैट कि आप उसको किसी भी बैकग्राउंड पे यूज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको एक 3D टेक्सचर इफेक्ट दिख रहा है। अब इस 3D टेक्सचर इफेक्ट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लेयर पैनल्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे के सारे लेयर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर्स को हमने वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन है, जो शैडो हमने यूज किया हुआ है, ताकि आप उसको चाहो तो अपने डिजाइन के हिसाब से उसको चेंज कर सको, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सको, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के जगह पे हमें क्या करना है, अपना टेक्स्ट लिखना है। सो यहाँ पे स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर में, यहाँ पे जो स्टाइल वाला फोल्डर है अपना, आप स्टाइल वाले फोल्डर को जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगा लोगो करके। आपने बस क्या करना है, इस लोगो वाले फाइल पर राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे आपको यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा एडिट कॉन्टेंट्स का, आप एडिट कॉन्टेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये एक नए पेज पे लेके आ जाएगा, और यहाँ पे आप टेक्स्ट टूल का यूज करके
आप बस क्या करोगे, अपना जो डिजाइन है उसको चेंज करोगे, आपका जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है उसको आप चेंज करोगे। तो यहाँ से मान लो मैं इसको रिमूव करके अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना नाम लिखा, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने बस यहाँ से फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्लोज एंड गो टू ब्रिज का, और शॉर्टकट उसका क्या है, शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू। तो आप यहाँ से क्लोज एंड गो टू ब्रिज पे क्लिक करना, और यहाँ कंफर्मेशन के लिए मांग रहा है, आप यहाँ पे यस पे क्लिक करो, एंड देन आपको वो क्या होगा, जो डिजाइन है वो वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें स्टेप है, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है डिजाइन को यूज करने के लिए, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी भी टाइप के डिजाइन को क्या कर सकते हो, ओपन करो। तो इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में मैं आपको 10 PhD टेम्पलेट देने वाला हूँ, ठीक है। एक और मैं PhD टेम्पलेट आपको ट्राई करा देता हूँ, आप उसको देख लो। जैसे मान लो यहाँ से मैं कोई दूसरा PhD टेम्पलेट लेके चलता हूँ, ये नंबर 8 में ओपन करता हूँ, ठीक है। सो जितने भी PhD टेम्पलेट है, अब ये आप एक PhD टेम्पलेट देख सकते हो, सारे के सारे मैंने PNG में रखा हुआ है ताकि आप उसको किसी भी बैकग्राउंड के साथ यूज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये PhD टेम्पलेट है, आपको बस क्या करना है, इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल वाले पे यहाँ पे आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, आप बस इस पर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एडिट कॉन्टेंट का ऑप्शन आएगा, या फिर आप जैसे इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे एक पैनल खुल के आएगा जहाँ लिखा है एम्बेडेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ किसका ऑप्शन है एडिट कंटेंट का, आप यहाँ से भी क्लिक करोगे तो आपको क्या करेगा, एक नए पेज पे जंप कर देगा, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, बस अपना फॉन्ट चेंज करोगे। जैसे कुछ मैं इस बार लिख रहा हूँ डॉक्टर IT, ठीक है, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी देखने में बड़ा लग रहा है फॉन्ट। तो मैं इसका साइज हल्का सा क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ, और छोटा करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर अलाइन करके अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अरेंज करने के बाद जैसे आप यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लोज एंड गो टू ब्रिज पे क्लिक करोगे, ये आपका क्या होगा, एक कंफर्मेशन मांगेगा, आपने यस पे क्लिक कर देना है, एंड देन वो क्या करेगा, आपका जो वो लेयर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है और ईजी टू यूज है। आपको मैं इस वीडियो सीरीज में 10 PhD टेम्पलेट दे रहा हूँ, उनके प्रिव्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। तो तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप का कंटेंट लाते रहूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।